पांडे क्यों नहीं पसंद आपको? नहीं पसंद है वो, पता नहीं कहाँ का टैटू लगाया उसने, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो या तो गुजरात ने उसको पीक पॉइंट पे जब थे तब डाउनफॉल हो रहा था तब उसको ज़्यादा करियर में उसने हेल्प करी थी, छोड़ के चला गया साड़ा। नहीं, रोहित शर्मा वाज अ बेटर कैप्टन, इज अ प्रूवन कैप्टन, इज अ 5-time IPL विनिंग कैप्टन, डेकन चार्जर्स का भी वाइस कैप्टन रहा है, सो एक्सचेंजिंग हिम विद हार्दिक पांड्या मेक्स नो सेंस। मैंने बड़े जल्दी तरीके से निकाला था हार्दिक को, फिर आ गया। वुमेंस का तो जीत गया, वी होप RCB जीतेंगे तो सब भी गैदर करेंगे, बहुत पार्टी फायरवर्क सब कुछ करेंगे। हार्दिक पांड्या तो मेरे हिसाब से सही नहीं है, रोहित शर्मा को ही रहना चाहिए, हार्दिक पांड्या जैसे घटिया कैप्टन रखने से बेटर रोहित शर्मा ही था। भाई IPL 2024 आ गए हैं और अपने साथ लेकर आया बहुत सारी गॉसिप्स, फिर चाहे वो मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी या फिर धोनी के रिटायरमेंट, यही बहुत सारे IPL से रिलेटेड सवाल लेकर अनकट से मैं अंजलि आ गई हूँ लोगों के बीच, लोगों से इन सवालों के जवाब जानने। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। IPL 2024 में रोहित शर्मा थे मुंबई इंडियंस के कैप्टन, जिनको उनको हटाकर हार्दिक पांड्या ने रिप्लेस कर लिया, तो इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म उनको मिल रहा है कि ऐसे क्यों हटाया, रोहित शर्मा ने इतने मैचेस जिताए हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका, सही किया हटा के? और नहीं, अगर मेरी नज़र में तो सही नहीं किया, बिकॉज रोहित शर्मा काफ़ी एक्सपीरियंस हैं और बहुत कुछ उनकी पर्सनल अचीवमेंट और टीम के लिए भी बहुत अच्छी अचीवमेंट है, और हार्दिक पांड्या का देखा जाए तो एज ए कैप्टन उतना अचीवमेंट नहीं है और वो उनका एक्सपीरियंस भी अभी कम है। आई थिंक इफ रोहित वांटेड टू लीव इट वॉलंटरीली लाइक दैट वुड हैव बीन बेटर, आई मीन बिकॉज ही इज़ अ काफ़ी रेप्यूटेड प्लेयर काफ़ी टाइम से, तो अगर वो खुद से कैप्टनसी छोड़ना चाहते थे तो बेटर रहता, मतलब उनको ये ऑप्शन देना चाहिए था, बट नहीं दिया अनफॉर्चुनेटली। एनीवेज वी नीड अ यंगस्टर जो आगे लीड कर पाए टीम को, बट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट अगर उनको ये चॉइस दिया जाता तो बेटर रहता, रादर देन बिना उनको से इन्फॉर्म करे कि उनको निकाल दिया टीम, मतलब कैप्टनसी से। नहीं, रोहित शर्मा वाज अ बेटर कैप्टन, इज अ प्रूवन कैप्टन, इज अ 5-time IPL विनिंग कैप्टन, डेकन चार्जर्स का भी वाइस कैप्टन रहा है, सो एक्सचेंजिंग हिम विद हार्दिक पांड्या मेक्स नो सेंस। ये थोड़ा अनफेयर हुआ रोहित शर्मा के साइड से, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं 5 बार के IPL विनर है और उनका एक्सपीरियंस भी इस बार T20 वर्ल्ड कप का फाइनल तक लेके गए लास्ट ईयर, सॉरी 50-50 वर्ल्ड कप में, लेकिन उनका एक्सपीरियंस काम आता, लेकिन मुझे लग रहा है मुंबई एक ब्रांड वैल्यू फेस की तरफ गया, उन्होंने अगले 5 साल का सोचा है, इसलिए वो हार्दिक पांड्या को ऑप्ट किए कि आने वाले 5 साल के लिए उनका ब्रांड वैल्यू बना रहे, और वही है उसी लिए मुझे लग रहा है ये मूव था हार्दिक पांड्या का। बाकी मुझे थोड़ा अनफेयर लगता है रोहित शर्मा के पार्ट से, क्योंकि ही डिजर्व्स लाइक अ गुड फेयरवेल, मतलब जिस हिसाब से देख रहे हैं तो थोड़ा गलत किया, वैसे रोहित को देना चाहिए था, हार्दिक के एटीट्यूड चक्कर में वो मैच हार गए, परसों हुआ था शायद मैच, परसों हुआ था वो हार चुके हैं, तो मुझे वो चीज़ बढ़िया नहीं लगी। आपका क्या कहना है? मतलब या तो गुजरात ने उसको पीक पॉइंट पे जब थे तब डाउनफॉल हो रहा था तब उसको ज़्यादा करियर में उसने हेल्प करी थी, छोड़ के चला गया साड़ा। मैंने भी वो चीज़ सही नहीं लगी थी, वो BJP के बड़े टॉप लीडर हैं, उनके पुत्र हैं, जिनको क्रिकेट के बारे में क्रिकेट का सीन ही मालूम है, और ये पक्षपात लगाते हैं, परिवारवाद लगाते हैं, ये जो अभी हार्दिक पांड्या को सीनियर जूनियर का कुछ भी ख्याल होना चाहिए। नहीं, हार्दिक पांड्या इज अ ग्रेट क्रिकेटर बट एट द सेम टाइम ही इज प्रीटी एरोगेंट, रोहित शर्मा इज आल्सो एरोगेंट बट इन अ गुड वे बिकॉज वो अपनी टीम को हैंडल कर पाता है। आपका क्या कहना? रोहित शर्मा को ही रहना चाहिए, हार्दिक पांड्या जैसे घटिया कैप्टन रखने से बेटर रोहित शर्मा ही था, मुंबई इंडियंस का रोहित शर्मा ही पहले से रहा है, वही रहना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए बट ऐसे इतने बेकार नए लोगों की जरूरत नहीं है। हार्दिक पांड्या क्यों नहीं पसंद आपको? नहीं पसंद है वो, पता नहीं कहाँ का टैटू लगाया उसने, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। नॉटी ओरा के बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है ये फैसला कि आप एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन, कई बार इस टूर्नामेंट को खिताब जो है जिता के दिया गया है, बेस्ट रोहित शर्मा ही था, यस, तो नए लोगों को आगे नहीं आना चाहिए? आना चाहिए बट अभी उसका अच्छा फॉर्म चल रहा था और कैप्टनसी वो अच्छा किया है, पहले भी 5 बार IPL जिता चुकी है मुंबई इंडियंस को, और इसी को रहना चाहिए था। अभी रोहित शर्मा बेस्ट था,
बाकी उन्होंने अपना बहुत लंबा समय दिया है इस कैरियर में। रोहित शर्मा ने जो हार्दिक पांड्या को एक चांस मिला है तो उसको भी देखना चाहिए, अगर वो अच्छी लीडरशिप दिखाता है तो मे भी टीम के लिए एक अच्छा साइन हो सकता है। बस यही कहना चाहूँगा कि चांस लिया है उसके लिए भी, क्योंकि हमें एक अच्छा लीडर चाहिए लीड करने के लिए, तो उन्होंने एक हार्दिक पांड्या पर जो है ये दाव खेला है कि इसको भी एक चांस दें। चेंज हो रहा है तो क्या ही दिक्कत है भाई, बदलते रहना चाहिए, वो रह चुके हैं, वो आके ट्राई कर लेगा, कुछ नया दिखेगा। पर सबका मानना है कि रोहित शर्मा काफ़ी अच्छे कैप्टन रह चुके हैं, इतने मैचेस उन्होंने जिताए भी है, धोनी भी थे अच्छे कैप्टन, सब हटाया नहीं गया ना, धोनी ने वॉलेंटरली अपनी कैप्टेंसी छोड़ी है, तो धोनी जैसा कोई है भी तो नहीं ना। आपको पर्सनली कौन ज़्यादा पसंद है, विराट कोहली या फिर धोनी? ओके, आई थिंक बिकॉज धोनी हैज ऑब्वियसली वन ऑल द ICC ट्रॉफीज, तो धोनी। विराट कोहली। MS धोनी। अभी करेंटली तो विराट कोहली पसंद है। ऑफ कोर्स धोनी, वो तो लॉयल रहेगा ही, स्टार्टिंग से ऐसी है। कोहली। कोहली पसंद है। चलिए। तुझे कौन पसंद है? धोनी। इधर आके बोलिए ना। लड़ाई कर रहे हो पानी बीच में आप। आपको कौन पसंद है, धोनी या फिर कोहली? देखिए, एज अ बैट्समैन कोहली एंड एज अ ऑलराउंडर लाइक विकेट कीपर कैप्टन एंड बैट्समैन एंड अ फिनिशर, डेफिनेटली धोनी ऑल टाइम। एंड और स्किल्स वाइज भी धोनी एज अ कैप्टनशिप इज फार अहेड देन कोहली। और अगर कैप्टनशिप की वैसे देखा जाए तो धोनी का सबसे बेटर ही रहा, वो चाहे ऑल फॉर्मेट में, चाहे वो IPL हो या वर्ल्ड कप हो, तो धोनी सक्सेसफुल कैप्टन है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत। फिर भी आपको कोहली पसंद है? लेकिन कोहली पसंद है। नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा रीबिल्ड करने में, बट हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है, CSK बढ़िया टीम है। अधूरी नहीं है धोनी के बिना CSK? अधूरी तो है, कुछ साल लगेंगे मूव ऑन करने में, बट हो जाएगा। आई हैव नेवर लाइक CSK, बट ऑफकोर्स धोनी इज देयर ओनली ड्राइविंग फोर्स धोनी के बाद। इट्स अ ग्रेट टीम, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम, बिकॉज उसकी कॉल्स आर व्हाट आर इंपॉर्टेंट ऑन फील्ड। व्हेन यू हैव अ प्रेजेंस लाइक दैट, इवन अ स्मॉल टीम राइजेस। आपको क्या लगता है, अगर इस बार MS धोनी छोड़ देते हैं तो CSK का उसके बाद क्या हाल होगा, क्या इसी एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ पाएगी? एनीवेज, आएगी, अगर कोई लीव करेगा ऑब्वियसली कोई और नया टैलेंट तो डेफिनेटली आएगा ना। जब धोनी नहीं थे तो भी पीपल वर प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा नहीं है, बट ऑब्वियसली ही टू क्रिकेट टू अनदर लेवल, तो उनसे काफ़ी सीखा होगा चेन्नई सुपर किंग्स ने इस पूरे टेन्योर में, जितने भी टाइम वो थे। तो आई गेस कोई और अगर वो जाएंगे भी, आई थिंक इन एनी फॉर्म, लेकिन अदर फॉर्म मेंटोर या ऐसे करके वो रहेंगे टीम के साथ, आई गेस मोस्ट लाइकली। CSK धोनी के बगैर भी कर रही है, बिकॉज अभी वो कैप्टनसी नहीं कर रहे, स्टिल दे आर विनिंग इट, अभी दो मैचेस हुए हैं, दोनों में जीते हैं, तो गायकवाड़ इज ऑल्सो गुड ऑप्शन फॉर देम। नहीं नहीं नहीं, तो मतलब धोनी से ही CSK है? अब ये भी नहीं, टीम इंडिया वैसे तो मुझे टीम इंडिया वैसे तो इस बार सही कह रहा है, जिस हिसाब से थोड़ा धोनी के वो चल रहा है उससे तो लग रहा है कि शायद ही आखिरी होगा। मोस्टली है ऐसा रूमर था, तो लास्ट ईयर भी छोड़ने वाले थे, लेकिन अभी वो तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है कि कब क्या कर दे, धोनी की ऐसी फितरत रही है, आखिरी है, वो पर आखिरी पर जीतेगा, ये तो सिर्फ इसका आंसर सब धोनी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। बट आपको क्या लगता है, इस बार खुद उन्होंने कैप्टेंसी भी नहीं ली है, वो यंगस्टर्स को प्रमोट ही करना चाहते हैं, क्योंकि कब तक धोनी संभालेगा, अब हर बार धोनी धोनी धोनी, तो वो तो है, तो यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं एक्चुअली वो। हो सकता है, लेकिन अभी तो कुछ ज़्यादा फिट लग रहे हैं, पहले से भी ज़्यादा फिट लग रहे हैं अभी हाल फिलहाल जो, यानी देखे हैं तो पहले वाले रूप में आ गए हैं वो। तो इस बार उन्होंने कैप्टेंसी भी नहीं ली है CSK के। कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अभी फिट, कुछ ज़्यादा फिट लग रहे हैं पहले से, हो सकता है अगले बार भी खेल सकते हैं वो। डेफिनेटली उसने अपनी कैप्टनशिप भी ड्रॉप कर दिया, लास्ट ईयर भी करी थी, बट दिस टाइम आई थिंक इट्स टाइम। हो जाएगा और सही है, ख़त्म हो जाएगा, इतना अच्छा करियर रहा है, अच्छी बात है, बेस्ट है वो, विराट कोहली से तो बेटर ही है, ये बकवास करता रहता है, इसकी बात मत सुना करो। आप क्यों नहीं, विराट कोहली भी तो अच्छे कैप्टन। हाँ, विराट कोहली अच्छा है, बट धोनी का अलग ही है, देयर इज नो कंपैरिजन। विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ आवर जनरेशन। अच्छा, चलिए, आपने ग्रेटेस्ट क्रिकेटर बोला, बीइंग द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एंड द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, स्टिल वो अब तक RCB को एक बार भी नहीं जिता पाए हैं, तो क्या रीजन लगता है इसके पीछे? इसने तो वर्ल्ड कप भी जिता दिया, बोल। ही इज द ग्रेटेस्ट इंडियन क्रिकेटर ऑफ आवर जनरेशन, डेविड वॉर्नर एंड स्टीवन स्मिथ आर स्टेप्स अहेड ऑफ हिम। विमेंस टीम फिर भी जीत गई है, लेकिन मेंस टीम RCB की नहीं जीत पा रही है, तो क्या कमी आ रही है उनके कैप्टनसी में? कैप्टनशिप में इतना डीपली तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उनका मतलब खेलना अच्छा लगता है और वो टीम के लिए खेलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है,
हाँ ये कि रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा उनका। विराट के अकेले करने से कुछ नहीं होगा, टीम जब तक पूरे साथ एक साथ नहीं। बीइंग द कैप्टन, उनकी कैप्टनसी में कहाँ कमी आ रही है? लग खराब है। ये तो प्लेयर्स तो उसके में भी अच्छे थे, गेल था पहले, एवी डिविलियर्स था उसमें, विराट कोहली था, इस वजह से भी नहीं हो पाया। और अब तो सब चेंज ही हो गया, वो भी चले गए, गेल भी चला गया, एवी डिविलियर्स ने भी रिटायरमेंट ले लिया, अब तो कहाँ ही जीतेगी, अब तो कहाँ ही जीतेगी। गजब बेइज्जती है। विराट कोहली कब तक कर लेगा, जब तक पूरी टीम नहीं करेगी तो, और किस्मत भी खराब है साड़ेगी। कल के मैच में तो उसने अच्छे स्कोर बनाए थे, स्कोर वही बना रहा भाई, ऑरेंज कैप उस पे ही अभी तो स्कोर अच्छे बनाए कल तो। एक प्लेयर कौन खेलता है, फील्डर होते हैं, बॉलर होते हैं, टीम कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा है उन लोग का हर साल। कभी कभार उनके बॉलर्स लास्ट में रन नहीं सेव कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक IPL में हर्षद पटेल ने अच्छा किया था, फिर लास्ट में थोड़ा उनका डेड बॉलिंग प्रॉब्लम हमेशा रही है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और उनके अगर उनके टीम में देखोगे तो क्रिस गेल आके चले गए, युवराज सिंह रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर नहीं जीत पा रहे तो एक लक भी फैक्टर है। बाकी मुझे लग रहा है बॉलिंग एक कंसर्न रहा है, वो रन नहीं सेव कर पा रहे हैं डेड बॉलिंग से। इस बार लगता है CSK जीत सकती है, RCB का नहीं लगता, कल ही तो जीती है। दंगल का नहीं सुना, लड़की लावे लड़का लावे एक ही तो बात है। पुअर बॉलिंग लाइनअप के साथ कोई टीम IPL नहीं जीत सकती। व्हेन यू ट्रस्ट, तुम 10 करोड़ अनट्रस्टेड प्लेयर्स को दे रहे हो, तुम्हारा इंडियन बॉलिंग लाइनअप इज़ वेरी वीक, यू कांट बी एक्सपेक्टेड टू विन जस्ट बिकॉज यू हैव विराट कोहली, फैफ डू प्लेसी, यू नीड अ वेरी बैलेंस टीम, एंड CSK एंड MI हैव प्रूव्ड दैट दे आर वेरी बैलेंस टीम्स। दैट रीज़न तो कुछ नहीं है, अभी प्रोजेक्ट तो अकेला कर नहीं सकते, 12-11 लोग का तो खेलना ही पड़ेगा। कभी भी देखो या डुप्लेसिस या मैक्सवेल या कोहली खेलने पड़ रहा है, बाकी सबको टीम वर्क करना पड़ेगा तभी तो आएगा, लेकिन बॉलर्स का कमी है बस। टीम तो बहुत अच्छा चल रही है, इस साल मुझे लगता है कि इस साल कप ना मिले। RCB इस बार IPL जीत पाएगी या नहीं ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन आपका इस बारे में क्या मानना है ये अभी पता चल सकता है, तो फटाफट से कमेंट करके बता दो। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल अनकट।